हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, मैं हूँ प्रिया। मैं आपके लिए लाई हूँ ये छोटा सा होम रेमेडी हेयर फॉल के लिए। विंटर में हमारे हेयर फॉल काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मैं विंटर में मिलने वाली चीज़ों से ही एक छोटी सी सिंपल सी होम रेमेडी बनाई है, जिससे आपकी हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश आंवला। आंवला आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लें। उसके बाद एक ऑनियन, प्याज, दोनों को अच्छे से धो लेना है, प्याज को छील कर धो लेना है। उसके बाद हमें लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें आंवला को काट के डाल लें, उसके बीज को निकाल दें। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो आंवला, फ्रेश आंवला बहुत ही ईजिली मिल रहा है, तो आंवला लगाने के साथ साथ आप लोग खाया भी करो। आंवला बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, तो रोज़ एक आंवला ज़रूर खाया करो। ऑनियन को भी हमें ऐसे ही काट करके इसमें डाल देना है। ऑनियन भी कट चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी, रात भर सोख करके मैंने रखा था, मेथी, उसका पानी। अभी इन सबों को हमें ग्राइंड कर लेना है। दरदरा पीस लिया है मैंने, आप चाहे तो महीन भी पीस सकते हैं। उसके बाद हम इसके जूस को अच्छी तरह से इसमें से निकाल लेंगे। इस होम रेमेडी को आप भी लगाओ अपने घर में, भाई बहन, मम्मी पापा, सभी को आप लगा सकते हो। सबके हेयर फॉल में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये देखिए, रेडी है हमारा छोटा सा जूस। इसे आपको अपने स्कैल्प पे लगा लेना है बहुत अच्छी तरह से। ये आपके बालों को काला भी करेगा, घना भी करेगा और मजबूत भी बनाएगा। आपको 30 मिनट या 1 आवर भी आप रख सकते हैं अपने जड़ों पे लगा के। उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। देखिए, मेरे वॉश करने के बाद हेयर एक भी नहीं निकल रहे थे और बहुत ही सिल्की सॉफ्ट हो गए थे। तो आप भी इसे यूज करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि आपके बालों पर इसका क्या रिजल्ट हुआ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।